तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, अभी तक मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डाले हैं पीसी से रिलेटेड, लेकिन अभी तक बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम जरूर से जरूर ही रहा है कि एक 15,000 के अंदर में कौन सा बेस्ट सीपीयू होगा जिसको खरीदने के बाद आपको कोई भी टेंशन ना लगे एंड लगे कि हाँ पैसा जो आपका 15K है एकदम अच्छा से सफल हो गया। तो उसके लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे टॉप 5 सीपीयू जो कि 15K के अंदर में आपको गेमिंग भी देगा, इसके साथ साथ अच्छा परफॉर्मेंस देगा एंड दोस्तों सब चीज में बेस्ट रहेगा लुक वाइज भी। तो आज बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लगभग एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा गाइस। एंड अगर आपको जो सीपीयू नहीं अच्छा लगे किसी का पार्ट आप स्किप कर दो एंड अगला सीपीयू देख लो, बट पांचों का पांचों देखिएगा तभी आपको लगेगा कि हाँ एकदम अच्छा सा आप सीपीयू खरीद सकते हो, खुद से परचेज कर सकते हो। तो एंड तक देखना वीडियो को एंड अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पीसी से रिलेटेड ऐसे वीडियोस डेली अपने चैनल पे लाते रहता हूं, तो आपको इन्फॉर्मेटिव होगा हमारा चैनल, तो कर लेना सब्सक्राइब। बिना देरी के मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे सीपीयू बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए हर एक चीज में बेस्ट होगा। तो मैं पहले उससे पहले एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई भी इसमें मैं एकदम गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, जो भी दूंगा सही इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड जो रियलिटी है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आप 15,000 के अंदर में जो सीपीयू लोगे उस पर आप GTA 5, PUBG एंड फ्री फायर ऐसे गेम्स नहीं खेल सकते हो, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि वो सब गेम खेलने के लिए एक चाहिए अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड एंड अच्छा सा नहीं तो कम से कम इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी होना चाहिए एंड अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए। आप 15,000 के अंदर में अगर कोई सीपीयू लेते हो तो उसका जो है ग्राफिक्स कार्ड उसमें पहली बात नहीं रहेगा एंड प्रोसेसर भी लो लेवल का रहेगा एंड बाकी सब कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि वही डिपेंड करता है गेमिंग के लिए, एंड वो नहीं रहेगा तो आपका गेमिंग तो नहीं होने वाला अच्छा। लेकिन मैं बता देता हूँ, आप ऐसा सीपीयू मैं बताऊंगा जिसमें कि आप ब्लू स्टैक या फिर कोई ऐसा अलग सॉफ्टवेयर यूज करके चला सकते हो पबजी एंड GTA 5 तो बहुत बड़ा गेम है वो नहीं चलेगा, बट पबजी फ्री फायर आप चला सकते हो, वो भी बताऊंगा कैसे चला सकते हो, तो वीडियो के एंड तक जोर से जोर देखना। एंड मैं जो भी सीपीयू बताऊंगा वो आपको रियली बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला पांचों सीपीयू। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पांचवा सीपीयू से, तो गाइस नंबर 5 जो हमारा सीपीयू है वो है कैनगेट असेंबल्ड कंप्यूटर पीसी, जो कि एक कैनगेट की तरफ से आने वाला कंप्यूटर पीसी है। एंड गाइस मैं बताता हूँ ये आपको मात्र 10,000 में मिनिमम मतलब सब कुछ कम लेवल में आप पीसी ले सकते हो, जो कि आपको बस पीसी का काम करेगा, जो भी एक पीसी होता है सिंपल सा वैसा, आप इसमें कुछ भी हाई एंड नहीं कर सकते हो। एंड मैं बताऊँ ना आपको, तो ये आपको स्टडीज के लिए हो सकता है, आपका अगर कोई शॉप है तो छोटा मोटा प्रिंट व्रिंट निकालने के लिए फोटो वोटो बनाने के लिए आपका हो जाएगा। एंड अगर आप गेमिंग छोटा मोटा बोल सकते हो जैसे कि आप मारियो रोड रेस ये सब गेम फाइटिंग वाइटिंग गेम वाला जो होता वो सब सिर्फ खेल सकते हो एंड जो भी हाई बैटल ग्राउंड गेम ये सब नहीं खेल सकते हो। सिंपल में बता दिया, इसका प्राइस मैं बता देता हूँ 10,000 है एंड स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो है 4GB रैम के साथ ये आता है। प्रोसेसर की बात करूँ तो ड्यूअल कोर 2 प्रोसेसर है इसका, जिसका स्पीड की मैं बात करूँ तो 3.0 GHz का इसका बेसिक स्पीड है। एंड गाइस 4GB रैम DDR3 रैम के साथ ये आता है, और अगर स्टोरेज की मैं बात करूँ तो 320GB का इसका HDD है, मतलब स्टोरेज इसका 320GB का, जो कि कम से कम 500 तो रहना चाहिए, बट ये 10,000 का है तो कम है। विंडोज 10 इसमें जो है दिया गया, बट विंडोज 10 फुल वर्जन नहीं है, ट्रायल वर्जन जिसको आपको कि अपग्रेड कराना पड़ेगा। तो ये सब मैंने आपको बता दिया एक सिंपल 10,000 का सीपीयू। एंड गाइस अगर आपको सिंपल में लेना है तो ये सीपीयू आपके लिए बेस्ट होने वाला है 10,000 में। एंड अगर आपको इसका फुल डिटेल देखना है, फुल स्पेसिफिकेशन, तो मैं ये आई बटन पे दे दूंगा एंड जितना भी पीसी बताऊंगा उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एंड ये वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो इसका फुल डिटेल, अच्छा होने वाला है पीसी आपके लिए, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइस आप नंबर 4 पे जो हमारा सीपीयू आता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आपको गेमिंग के लिए भी चाहिए अगर 15,000 के अंदर में, मैंने आपको बताया था शुरू में, तो गेमिंग के लिए अगर आपको लेना है तो एक आइडिया मैं आपको बताता हूँ, आप Amazon पे रिन्यूड सीपीयू ले सकते हो। एंड रिन्यूड सीपीयू में बताता हूँ क्या होता है, रिन्यूड जो होता है ना वो होता है अगर कोई आप पीसी परचेज करते हो एंड उसको अगर आप रिटर्न कर देते हो तो वो जो Amazon के पास वापस चल जाता है एंड उसको चेक करता है, बट उसमें कोई अगर खराबी नहीं होता है, खराबी होता है तो उसको ठीक करता है या मतलब जो भी करता, लेकिन अगर खराबी नहीं होता, अगर आपके प्रॉब्लम के कारण आपको रिटर्न की हो तो वो उसको रिन्यूड करके फिर से Amazon पे बेचा जाता है एंड उसी को रिन्यूड लिखा हुआ रहता है एंड वो कम प्राइस में रहता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा, आप रिन्यूड भी परचेज कर सकते हो, उसमें कोई कोई जो होता है खराब आता है, बाकी सब कुछ सही आता, मैंने कई बार रिन्यूड भी परचेज किया, तो अगर आपको खराब किया जाता है तो आप रिटर्न कर सकते हो। अभी जो मैं बताता हूँ आपको, ये रिन्यूड सीपीयू है डेल ऑप्टिप्लेक्स
790 कंप्यूटर पीसी। ये पीसी बहुत ही बढ़िया है एंड इसका प्राइस की मैं बात करूं तो 30,000 के अंदर इसका प्राइस है एंड अभी आपको मिल जाएगा मात्र 14,000 में, मतलब 14,000 में आपको मिल जाएगा रिन्यूड एंड आप इसको परचेज कर सकते हो। अगर आपको कोई डिफेक्ट आता है तो आप रिटर्न कर देना बाद में, लेकिन अभी आप इसको परचेज कर सकते हो। एंड गाइस मैं बताता हूँ, इस पर आप गेमिंग GTA 5 पबजी एंड फ्री फायर तीनों खेल सकते हो 15,000 में। होने वाला क्या है, आपको एकदम स्पेसिफिकेशन जो मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है, क्योंकि मैं बता देता हूँ कुछ स्पेसिफिकेशन। तो प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ, गेमिंग के लिए प्रोसेसर इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले प्रोसेसर जो इसमें है वो इंटेल की तरफ से आने वाला कोर i3 2100 प्रोसेसर है, जो कि 3.1 GHz के बेसिक स्पीड है। एंड गाइस मैं बताता हूँ, ये प्रोसेसर गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इंटेल का प्रोसेसर होता है बढ़िया एंड कोर i3 है तो ठीक ठाक है, लेकिन इसका प्राइस मात्र 15,000 के अंदर ही है। एंड गाइस इसके साथ साथ इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि इंटेल की तरफ से आता है, तो ग्राफिक्स कार्ड है इंटीग्रेटेड, तो आप छोटा मोटा मतलब कम लेवल में गेमिंग कर सकते हो, हाई एंड नहीं कर सकते हो, बट उसका लो में एंड बैलेंस्ड में करके चला सकते हो, पबजी एंड GTA 5 भी चला ही सकते हो। तो ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। एंड रैम की बात करूँ तो 8GB का रैम है, ये भी बहुत अच्छा है, 1TB का स्टोरेज है एंड विंडोज 10 प्रो ट्रायल वर्जन है, जो कि लाइफ टाइम के लिए है। तो ये सब इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है, बहुत ही अच्छा लगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में सबका डिटेल एंड स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको परचेज करना है पीसी, तो आप कोई भी पीसी परचेज करना है तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में वहाँ से परचेज करें, आपको बेस्ट पीसी मिलेगा। नहीं तो रिन्यूड में भी कुछ कुछ खराब वाले आते हैं, तो मैं जो डिस्क्रिप्शन में देता हूँ सही रहता, तो वहीं से परचेज करना एंड जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो ये मैं बता दिया अपना चौथा सीपीयू। अब आते हैं तीसरे सीपीयू पे। तीसरा जो हमारा सीपीयू होने वाला गाइस, तो रिन्यूड की मैं बात करूं तो रिन्यूड में भी दो मैंने देखा था एंड ये जो रिन्यूड होने वाला ये थोड़ा सा उससे भी बेहतर होने वाला, क्योंकि इसका लुक भी बहुत ही बेहतर है। एंड गाइस मैं बात करूं, ये जो है कंपनी का भी है, जो सीपीयू है गाइस वो लेनोवो की तरफ से आने वाला बहुत ही बढ़िया सीपीयू है, लेनोवो थिंकसेंटर M92P डेस्कटॉप पीसी। एंड इसमें जो प्रोसेसर है वो उससे भी ज़्यादा हाई है, मतलब इंटेल की तरफ से आने वाला i5 2400 प्रोसेसर है, उसमें i3 प्रोसेसर था, तो ये प्रोसेसर तो इंक्रीज किया ही है एंड इसके साथ साथ इसका स्पीड भी इंक्रीज किया, 3.4 GHz का इसका बेसिक स्पीड है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर हो जाता है। एंड उसके बाद अगर उसके रैम की मैं बात करूँ तो 8GB का DDR3 रैम है, जो कि रैम बहुत ही बढ़िया हो जाता है। ये तो मैं बताऊँ 20,000 के स्पेसिफिकेशन वाला पीसी है, मतलब 20 से 30,000 के स्पेसिफिकेशन वाला। एंड इसके बाद मैं बताता हूँ गेमिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है ग्राफिक्स कार्ड, इसमें HD ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड इंटेल की तरफ से आता है एंड i5 है, तो i5 का ग्राफिक्स कार्ड i3 के ग्राफिक्स कार्ड से तो अच्छा होगा। एक इसमें उससे डिफॉल्ट है कि इसका 500GB का ही स्टोरेज है, बट स्टोरेज पे उतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता, प्रोसेसर एंड रैम बढ़िया है तो गेमिंग आप कर सकते हो। तो ये मैंने बता दिया, ये थोड़ा सा एक आप इसको प्रॉब्लम बोल सकते हो कि ये रिन्यूड है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप परचेज करना चाहो तो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप मतलब मैं आपके लिए चाहता हूँ अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊं एंड सही बात बताऊं, तो आप मैं बोलूंगा परचेज कर सकते हो। वैसे अगर आपको कोई रिस्क नहीं लेना है तो इसके बाद भी मैं बताऊंगा नंबर 2 और नंबर 1, 3 तो मैं बता दिया एंड अब बताता हूं 2 CPU जो मेन में अपना बचा वो, एंड वो आप परचेज डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि नंबर 2 पे जो हमारा CPU आता वो ना तो रिन्यूड है, ना कोई उसमें डिफॉल्ट है एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट 15,000 के अंदर में बेस्ट CPU होने वाला। तो हमारा ये जो सीपीयू है वो आईवल इंटेल हाई परफॉर्मेंस डेस्कटॉप कंप्यूटर पीसी है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग पीसी है एंड मैंने ये परचेज भी किया था एंड इसका रिव्यू के आईवल वाला ये मैंने परचेज किया था, बट ये 20,000 में परचेज किया था, बट ये अभी 15,000 में ही आपको मिल जाएगा। एंड ये मैं बताऊँ ना, बहुत ही बढ़िया होने वाला गेमिंग के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, रिन्यूड भी नहीं है। एंड मैं बताता हूँ, इसका 8GB रैम है, प्रोसेसर i5 इंटेल की तरफ से आने वाला कोर i5 प्रोसेसर है, स्पीड की बात करो तो 3.4 GHz का बेसिक स्पीड है प्रोसेसर का एंड प्रोसेसर जो है बेस्ट होने वाला, H61 मदरबोर्ड इसमें लगा हुआ है। एंड अगर मैं बताता हूं 1TB का स्टोरेज भी इसमें दिया गया एंड ग्राफिक्स कार्ड भी जो है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि आप मैं खुद परचेज किया था एंड इस पे गेमिंग किया था, आपको मैं बताऊं तो चल जाता है पबजी अच्छा से एंड GTA 5 भी चल जाएगा, लो ग्राफिक्स कार्ड पे चलेगा, क्वालिटी जो होगा वो आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट ये चल जाएगा, GTA 5 भी चल जाएगा, पबजी एंड फ्री फायर भी चल जाएगा। तो ये मैं बता दिया एंड इसके बाद मैं बात करूं, इसमें बेसिक सॉफ्टवेयर्स भी रहते हैं, विंडोज 10 वाले जितना भी होते हैं, विंडोज 10 के बेसिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सब आपको इसमें मिल जाएगा प्री इंस्टॉल्ड एंड आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला ये पीसी में। 15,000 के अंदर में ये सीपीयू आपके लिए बेस्ट होने वाला है एंड लुक की मैं बात करूँ तो लुक भी बढ़िया है, बट इसके बाद नंबर 1 का जो हमारा सीपीयू है टॉप 5 में से नंबर 1 सीपीयू, वो भी इंटेल आईवल का ही सीपीयू कंबाइंड सीपीयू है, जो कि बेस्ट है एंड 1 नंबर पे है। 1 नंबर पे इसलिए है क्योंकि मैं बताता हूँ इसका लुक भी बहुत ही बढ़िया, जितना भी 5 में बताया सबसे बढ़िया एंड 15,000 के अंदर में ही है। उसके साथ साथ आप उस पर GTA 5 पबजी फ्री फायर तीनों बहुत ही बढ़िया से भी खेल सकते हो। एंड उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको इसका स्पेसिफिकेशन, आप अगर सुनोगे तो बोलेगे वाह ये तो मतलब 30K के अंदर वाला पीसी है आपका, लेकिन ये आपको मिलेगा कितना में, 15,000 के अंदर में, मतलब 15,000 के अंदर में। इंटेल की तरफ से आने वाला कोर i5 प्रोसेसर है एंड प्रोसेसर स्पीड की बात करो तो 3.6 GHz का प्रोसेसर स्पीड है,
बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर स्पीड हो गया एंड प्रोसेसर आपका जो है एकदम अच्छा से काम करेगा अगर आप गेमिंग करते हो तो। एंड 8GB रैम DDR4 रैम दिया गया एंड DDR4 रैम तो आप जानते हो कितना बढ़िया होता है एंड अच्छा पीसी में रहता है DDR4। एंड उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें ग्राफिक्स कार्ड भी है जो कि इंटेल वाला ही इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड HD में है। HD ग्राफिक्स कार्ड जो रहता है उस पर आप गेमिंग जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है आम ग्राफिक्स कार्ड के मामले में। HD ग्राफिक्स कार्ड इसमें लगा हुआ एंड इसका स्टोरेज जो है वो 500GB के साथ साथ इसका स्टोरेज लगा हुआ है एंड उसके साथ साथ इसमें SSD कार्ड भी दिया गया 15,000 के CPU में SSD कार्ड, इसलिए मैं ये टॉप 1 पे इसको रखा हूं। मुझे Amazon पे ये सबसे बेहतर लगा एंड अगर आपके पास सबसे कम बजट है 15,000 के अंदर में खरीदना तो ये CPU आपके लिए बेस्ट होने वाला। आप परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से परचेज करना एंड अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना चैनल। एंड इसके अगर मैं स्पेसिफिकेशन आपको बता दिया एंड इसका अगर स्पेसिफिक वीडियो आपको देखना है तो एक बार चैनल में विजिट करना एंड बहुत सारे मैं वीडियोस बनाया 15,000 25,000 के अंदर में भी एंड 20,000 के अंदर में, तो एक बार चैनल विजिट जरूर से जरूर करना एंड अगर अच्छा लगे हमारा चैनल तो कर लेना सब्सक्राइब क्योंकि आपके लिए मैं रोज वीडियो अपने चैनल पर वीडियोज लाते रहता हूं। तो प्लीज़ यार कर लो सब्सक्राइब एंड वीडियो करो लाइक जरूर करना, तभी मुझे पता चलेगा ये जो मैंने मेहनत किया इतना CPU सर्च किया उसके बाद बनाया तो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। एंड अगर आपको कोई भी इशू हो कमेंट बॉक्स से पूछो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम आईडी @YouTube वाला भाई, जिस पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर लेना एंड आप वहां पे मैं एक्टिव रहता हूं तो कोई भी आपका प्रॉब्लम होगा तुरंत से तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, इतना बढ़िया से बनाता हूं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।